दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका बर्थ डेट यानी कि आपके जन्म की तारीख, इसके अंदर ही बाय बर्थ बहुत सी स्ट्रेंथ छुपी हुई होती है। और अगर बाय बर्थ किसी को ये पता चल जाए कि उसकी उस जन्म तारीख के अंदर, उस बर्थ डेट के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ छुपी हुई है और कौन सी वीकनेस है उस नंबर के अंदर, और अगर स्ट्रेंथ का पता चल जाए किसी को या उसे ये बता दिया जाए कि उस स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कैसे करना है, कितना मजबूत उसको और ज्यादा करना है, और उस वीकनेस को कम कैसे करना है या खत्म कैसे करना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस इंसान की लाइफ से प्रॉब्लम्स कितनी हद तक खत्म हो जाएंगी। सो इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू विल लाइक टू इंक्रीज योर क्वालिटीज या यू कैन से योर स्ट्रेंथ, और यू विल लाइक टू डिक्रीज योर वीकनेसेस। इट्स ऑल अप टू यू। आज हम जिस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करने वाले हैं वो है नंबर 23। नंबर 1 to 22 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके फेवरेबल नंबर्स, उनके फेवरेबल कलर्स, उनकी डायरेक्शंस, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्रास का चैट करना चाहिए, कौन सी चीजें अपने पास रखनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस नंबर की टर्न है वो है 23। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नोयर वास्तु। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आज पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। 23 यानी कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, और इसके फॉर्मेशन से जो नंबर निकल के आता है वो है नंबर 5। नंबर 2 क्या है? मून है। मून क्या होता है? इमोशनल नंबर होता है, सेंसिटिव नंबर होता है, क्रिएटिव नंबर होता है। और नंबर 3 उसके साथ जुपिटर का नंबर, बृहस्पति देव का नंबर, गुरु का नंबर, ज्ञान का नंबर। और इन दोनों फॉर्मेशन से जो नंबर निकल के आया है वो है नंबर 5, मर्क्यूरी का नंबर, बुध का नंबर यानी कि बुद्धि। अब 2, 3 और 5 ये तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो वो इंसान क्रिएटिव होकर किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर अपनी पूरी ज्ञान, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी बुद्धि लगा देता है। और ऐसे लोग जिस किसी काम में भी हाथ डालते हैं उसमें सक्सेसफुल रहते हैं, बशर्ते कुंडली में उनका मून, जुपिटर और मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे हाउसेस में हो, अच्छी प्लैनेट्स के साथ हो। और इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ नंबर है 23 और उस इंसान का डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर यानी कि उसका अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ कर दिया जाए, डेट, मंथ और ईयर सबको प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट पे जो नंबर आता है वो डेस्टिनी नंबर है। अगर ये नंबर भी डेट ऑफ बर्थ नंबर के साथ कंपैटिबल है तो फिर तो बल्ले बल्ले क्या बात है। और इसके साथ नेम, नेम स्पेलिंग्स अगर उस इंसान के सिंक्रोनाइज है तो ये सारी क्वालिटीज जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं आपको इस इंसान के अंदर देखने को मिलेंगी। आप पहचान जाएंगे कि ये इंसान नंबर 23 वाला है। अब खूबी जैसे मैंने बताई है कि जिस काम को करने की सोचते हैं उसे अच्छे से ठान लेते हैं। इनकी 2 और 3 की वजह से वैसे तो इनकी स्टडीज अच्छी रहती है, और अगर इन केस ये बीच में इनकी स्टडीज कभी छूट भी जाए तब भी ये प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि तब इनकी इनके अंदर ज्ञान कम है या बुद्धि कम है जिस वजह से इनका ये चीज बीच में स्टडी छूट गई है, नहीं, ये उसे थोड़े टाइम के बाद कंटिन्यू भी कर लेते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर नहीं भी कंटिन्यू कर पाते तब भी ये लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं नंबर्स की वजह से। अब 5 नंबर के आ जाने की वजह से इनके अंदर कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहती है, गुड कैलकुलेशंस होती है, मैनेजमेंट स्किल्स इनकी बहुत अच्छी रहती है, बिजनेस में ऐसे लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, जिस किसी बिजनेस में भी हो ये, वहां पर इनकी ग्रोथ मैंने होते हुए देखी है। इन लोगों को गुस्सा जितनी जल्दी आता है, जितनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं उतनी जल्दी इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। अच्छे नेचर के होते हैं, हसमुख होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज को। जहां दिमाग का काम आता है, बोलने का काम आता है या लिखने का काम आता है वहां ये अव्वल वन। हर उम्र के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, हर
किसी भी सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना इनको बहुत अच्छे से आता है। भीड़ में अलग से पहचाने जाते हैं अपनी इन क्वालिटीज के कारण। किसी भी एम्बेरसिंग सिचुएशन में बाहर कैसे निकलना है ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर इनके साथ कोई है या इनके सामने कोई है उसको उस पोजीशन में कैसे नॉर्मल करना है, कैसे कूल करना है, और ये गुण इनके अंदर बहुत अच्छे से होता है। ये इस काम को इतने अच्छे से, इतना परफेक्टली निभाते हैं कि एक थर्ड पर्सन को इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि उस सिचुएशन से कैसे इन्होंने खुद को बाहर निकाल लिया या कैसे किसी और पर्सन को ये बहुत इजीली बाहर ले आए हैं। और इसके साथ इस वजह से, इन गुणों की वजह से इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब इतनी सारी अच्छाइयों के साथ हर एक नंबर में कमी भी होती है, तो इस नंबर में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर उन नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग दूसरे को तो गाइड बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब अपना क्वेश्चन आता है तो वहां पर इनका डिसीजन पावर वीक हो जाता है। कारण क्या है? मून और गुरु, इनका योग, ये कई बार इमोशनल हो जाते हैं और या इनका मन डामाडोल हो जाता है, वहां पर ये सेल्फ जो डिसीजन है उसकी पावर इनकी कम हो जाती है। वैसे इनकी विल पावर तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कई बार नंबर टू के कारण ये नेगेटिव सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको डिसीजन मेकिंग पावर इनकी वीक हो जाती है। दूसरे को तो ये बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, दूसरे को एडवाइस बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर मेरा इनको सजेशन है कि आप कोई भी काम करने से पहले उस पर चिंतन मनन, उस पर आप एक फोकस जरूर रखें, और अगर कभी आपको लगता है कि आपको किसी और से भी एडवाइस लेने की नीड है तो हेजिटेट बिल्कुल ना करें। चाहे आपका घर का है या आपका कोई वेल विशर है, आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले एडवाइस जरूर लें उसकी। 2, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स मैंने देखे हैं। बिजनेस में ये बहुत अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ ये लोग CA कंसल्टेंसी जॉब में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर हम इनको किसी भी काम को, अगर इनको एक उस पोजीशन पर बिठा दें कि आपको ये काम को करना है और इस काम को आपको लीड करना है, तो वहां पर इनकी मैनेजमेंट जो होती है उस काम के लिए वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट स्किल्स में ये नंबर वन होते हैं। पब्लिक स्पीकर तो जैसे मैंने बताया होते ही हैं अच्छे, ये ट्रेवल एजेंसीज के लिए और इन्वेस्टर्स के बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर इनके फेवरेबल नंबर्स की बात की जाए तो 1 की सीरीज 1, 10, 19, 28 और 3 नंबर इनके लिए अच्छा होता है 5, 5, 14, 23। ये इनके फेवरेबल डेट्स हैं या फेवरेबल नंबर्स आप इनको कह सकते हैं इनके हैं। अगर इनके फेवरेबल डेज की बात की जाए तो संडे और वेडनेसडे इनके फेवरेबल डेज हैं। अगर इनकी फेवरेबल डायरेक्शन की बात की जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन इनकी बेस्ट डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन पे इनको एक ब्लू कलर की बॉटल में अगर ये मनी प्लांट लगाते हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर इस डायरेक्शन पर ये छोटे छोटे पॉट्स में ग्रीन प्लांट्स जरूर लगाएं, पॉट छोटा होना चाहिए। अब ये चीजें थी इनकी ओवरऑल माइंड बॉडी सोल को पॉजिटिव करने के लिए, उसकी ऑरा को और ज्यादा ये किस तरह से प्योर कर सके उसके लिए जिस मंत्रास को इन्हें चैंट करना चाहिए वो है ओम श्री बुद्ध देवाय नमः। इस मंत्रा का ये चैंट करें, इनको बुद्ध को और चंद्र को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने शरीर पर अपनी आप चांदी का छल्ला एक धारण कर सकते हैं, या आप अपने अंगूठे में एक चांदी की रिंग पहन सकते हैं, या किसी भी आप फिंगर में पहन लें, चांदी पहने, गले में चांदी की चेन पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक रुद्राक्ष अपने साथ रख सकते हैं, या फिर एक रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्स का एक ब्रेसलेट आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। ये आपकी ऑरा को, आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपकी बॉडी को पॉजिटिव करने में
बहुत हेल्प करेगा। बर्ड्स की सेवा कर सकते हैं, कोई भी दाल भीगी हुई या हरी साबुत मूंग जो होती है, दाल सोक्ड भीगी हुई दाल मिट्टी के बाउल में आप उन्हें जरूर खाने के लिए दिया करें, और एक मिट्टी के बाउल में ही पानी से भरकर वो बर्तन उसके साथ जरूर रखें। इसके साथ साथ अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभार आप कोशिश किया करें कि पक्षियों को पिंजरे से आप आजाद करवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक आंतरिक सुकून तो आपको मिलेगा। इन बेचारे बेजुबान पक्षियों की और जानवरों की दुआ भी आपको जरूर लगेगी। टाइम टू टाइम आप किसी ना किसी को, पुअर या नीडी को आप हेल्प जरूर किया करें। कोई भी दान है आप उन्हें जरूर करें। तो ये थी दोस्तों जानकारी मेरी नंबर 23, डेट ऑफ बर्थ 23 के ऊपर। इससे पहले मेरी वीडियोस बनी हुई है नंबर 1 से लेकर 22 तक, कि ये लोग इस तारीख में, डेट ऑफ बर्थ में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, जिसके बारे में बहुत माइन्यूटली मैंने डिस्कस किया हुआ है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उन वीडियोस को वहां देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में रेस्ट नंबर्स, जो अब नेक्स्ट नंबर है 24, उसके बारे में आपसे बात करूंगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके।